ये है कायरो, जो कि ना सिर्फ इजिप्ट का कैपिटल बल्कि पूरे कंट्री का फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल हब भी है। अगर हम इसके ईस्ट में जाएं तो हमें सहारा डेजर्ट में बने चंद हाईवेज के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ये सैटेलाइट इमेज 2015 की है। तब से लेकर अब तक यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। इजिप्शियंस गवर्नमेंट ने यहाँ रेगिस्तान में इसके बीचों बीच एक नया लुक देने का फैसला किया है। यहाँ न सिर्फ नई कैपिटल सिटी बन रही है, बल्कि मुकाबले में आने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जिसको आइकॉनिक टावर का नाम दिया गया है। हत्ता के इजिप्ट अब दुबई को टक्कर देने की भी ठान ली है। 2030 से पहले इनको रेत के इस समंदर में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके दिखानी है। पर इस काम के लिए यही बंजर जगह क्यों, और आखिर कायरो को रिप्लेस ही क्यों किया जा रहा है? द रियल बेस की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। डियर, पिछले 12 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के पास है, लेकिन इससे पहले ये टाइटल पूरी दुनिया में इधर से उधर घूम रहा है। 2004 से 2010 तक ये टाइटल ताइवान की टाइपाई 101 के पास था, इससे पहले मलेशिया में मौजूद पेट्रोनस टावर के पास, और पिछले 100 सालों में ये टाइटल सबसे ज्यादा वक्त तक करीब 25 सालों तक शिकागो में मौजूद सियर्स टावर के पास था। अगर इससे भी पहले हिस्ट्री में देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे इस स्ट्रक्चर का टाइटल 4000 सालों तक इजिप्ट के पिरामिड्स के पास रहा है, और अब इजिप्ट अपनी नई कैपिटल सिटी के जरिए वापस ये टाइटल अपने नाम करने जा रहा है। इस न्यू सिटी को फिलहाल कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या फिर NAC के नाम से याद किया जाता है। कंट्रीज का नए सिरे से पूरे के पूरे तरीके से बनाने में कोई नई बात नहीं है, बल्कि कई कंट्रीज तो पहले भी अपने कैपिटल की सिटीज चेंज कर चुकी हैं। 2024 में इंडोनेशिया अपना नया कैपिटल नुसंतारा के नाम से लॉन्च करके जकार्ता को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि जकार्ता दिन ब दिन डूब रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया बढ़ती हुई सी लेवल को देखते हुए एक पूरा फ्लोटिंग सिटी बना रहा है, लेकिन इजिप्ट के NAC को बनाने के पीछे कई रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन ट्रैफिक इशू है। कायरो को सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली सिटी में शुमार किया जाता है। गूगल लाइव ट्रैफिक डेटा में कायरो सिटी को देखा जाए तो सुबह के वक्त भी यहाँ की 90% रोड पे आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा। सिर्फ कायरो के आउटस्कर्ट्स में कुछ हाईवेज या एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जहाँ हमें कोई ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा, बाकी पूरा शहर ही या तो रेड या फिर ऑरेंज रोड शो कर रहा है। अब ऐसा होने की वजह क्या है? असल में इजिप्ट की 104 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर इसकी 25% पॉपुलेशन सिर्फ इसी हिस्से में रहती है जहां हमें हरियाली नजर आ रही है। जाहिर है वो और जाएंगे भी कहां। दुनिया का दस्तूर है कि पॉपुलेशन आबादी सिर्फ वहीं होती है जहां पानी होता है। इजिप्ट का 90% एरिया बंजर और वीरान सहारा से घिरा हुआ है, जहां पानी का नामो निशान भी नहीं मिलता। सिर्फ नील रिवर है जिसके आस पास पॉपुलेशन मिलती है। ये नील रिवर इथोपिया और से होते हुई इजिप्ट में दाखिल होती है, और फिर मेडिट्रियन सी में गिरने से पहले इजिप्ट में नॉर्थ में आकर मल्टीपल कैनल्स में स्प्लिट हो जाती है। यही वजह है कि इजिप्ट के नॉर्थ में एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक जैम ही कायरो का मेन इशू नहीं है, बल्कि एक और वजह है जो इजिप्ट को सहारा डेजर्ट के एकदम बीच में एक नई सिटी बनाने पर मजबूर कर रही है। दुनिया भर में हमने देखा होगा कि कैपिटल सिटी में सारे गवर्नमेंट ऑफिस एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफिस हो या फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस। इजिप्ट के करंट कैपिटल कायरो में जितने भी स्टेट ऑफिसेज हैं, जहां से पूरी कंट्री को ऑपरेट किया जाता है, वो पूरे शहर में फैले हुए हैं। इसका नुकसान ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को इस भीड़ में एक दूसरे से कनेक्ट होने में मुश्किल पेश आती है, और जब वो ट्रैवल करते हैं तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की वजह से मजीद ट्रैफिक जैम हो जाता है। न सिर्फ इतना, बल्कि इजिप्शियन पार्लियामेंट और शूरा असेंबली बिल्कुल तहरीर स्क्वायर से लगी हुई है। ये बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है, जहां पर इतनी सेंसिटिव ऑफिसेज का ना किसी तरह से भी सुटेबल नहीं है। कई बार पुलिस को ये पूरा एरिया बंद करना पड़ता है, पहले से जैम पैक्ड सिटी को मजीद मुसीबत में डाल देता है। इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास अब इन मसलों पर काबू पाने के लिए नए शहर बनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनका ख्याल था कि नए शहर बनाने से कायरो का जो की कैपिटल सिटी है वहां से ट्रैफिक कम हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने 1977 में नई सिटी बनाने का सिलसिला शुरू किया था। कायरो के इर्द गिर्द कई छोटी बड़ी सिटीज बनाई गई, लेकिन फिर भी इजिप्ट
इजिप्ट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने कैपिटल का पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद इजिप्ट ने कायरो के ईस्ट में ही न्यू कायरो सिटी बना डाली, लेकिन यहाँ भी इजिप्शियन गवर्नमेंट का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, क्योंकि अब इन सारी सिटीज ने मिलकर कायरो पर ही मजीद लोड बढ़ा दिया। आखिरकार 2015 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब वो कैपिटल सिटी को ही बदलने जा रही है। ये नया कैपिटल कायरो और न्यू कायरो के ईस्ट में 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर भरपूर तरीके से बनाया जा रहा है। एनएसी की कंस्ट्रक्शन पे नजर दौड़ाई जाए तो 7 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद इसका पहला फेज कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है जहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफिसेज मौजूद होंगे। कायरो से पुराने ऑफिसेज पूरी तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग्स के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही आलिशान एक प्रेसिडेंशियल पैलेस भी बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के अलावा अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल जोन भी इसी कैपिटल का हिस्सा होंगे। 90,000 सीटिंग कैपेसिटी स्टेडियम, 40,000 रूम्स होटल और एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है जो डिज्नीलैंड से 4 times बड़ा होगा। इसके साथ साथ सोलर एनर्जी फार्म्स, इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम जो न्यू कैपिटल को कायरो से कनेक्ट करेगा और एक पूरा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की तर्ज पर इजिप्शियन डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए भी एक नया जोन बनाया जा रहा है जिसको ऑक्टागन का नाम दिया गया है। सिर्फ इसी ऑक्टागन का डायमीटर 6.5 किलोमीटर है जो किसी आलिशान मिलिट्री हेडक्वार्टर से कम नहीं है। अगर बात की जाए मस्जिदों की तो एनएसी में 17,000 नमाजियों के लिए अल फतह अल अमीन मस्जिद भी बनाई गई है जो इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है। पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कैथेड्रल भी यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इन सब चीजों के अलावा अट्रैक्शन के लिए यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब भी बनाया जा रहा है जिसमें अफ्रीका के सबसे ऊंची बिल्डिंग आइकॉनिक टावर पर तेजी से काम चल रहा है। 77 फ्लोर्स ऊंचा ये टावर कंप्लीट होने के बाद 1292 फीट लंबा होगा। और ये सब सिर्फ एक शुरुआत है क्योंकि इजिप्ट ने दुबई को टक्कर देने के लिए दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। ये ऑब्लिस्को के नाम से दुनिया को टक्कर देने वाली है जिसका डिजाइन एंशियंट इजिप्शियन ऑब्लिस्क के तर्ज पर बनाया गया है। इसको 2030 से पहले पहले कंप्लीट किया जाएगा जो अगर कामयाब हो गई तो 1000 मीटर बड़ी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहलाई जाएगी, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इस बंजर रेगिस्तान सहारा में हरियाली और फ्रेश लुक देने के लिए एनएसी में एक जाइंट रिक्रिएशनल पार्क बनाने का फैसला भी किया गया है। इसका साइज इतना बड़ा है कि ये एनएसी के एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने पे जाकर खत्म होता है। इसके साइज का कंपैरिजन किया जाए तो ये न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से 6 times बड़ा होगा। आजकल पूरी दुनिया में मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने का फैशन चल पड़ा है, अरबों डॉलर्स बहाकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक एनएसी पर 45 बिलियन डॉलर्स खर्च करा जा चुका है जो तकरीबन 3,700 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन रेगिस्तान में ऊंचे तरीन स्ट्रक्चर्स बनाने में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यहां सब कुछ रेत के अंदर धंसता जाता है। स्ट्रक्चर को इस चीज से बचाने के लिए फाउंडेशन पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। चाइनीज इंजीनियर्स ने इस आइकॉनिक टावर की कंस्ट्रक्शन से पहले एक रॉ फाउंडेशन बनाई। ये एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट का एक स्लैब होता है जो पूरे टावर का लोड रेत पर फैला देता है। 393 मीटर ऊंचे आइकॉनिक टावर का वजन बर्दाश्त करने के लिए 18,500 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट से ये फाउंडेशन बनाई गई। ये पूरे मिडिल ईस्ट में बनाए जाने वाला सबसे बड़ी फाउंडेशन थी। न सिर्फ सबसे बड़ी बल्कि ये हैरतअंगेज तौर पर बहुत तेज बनने वाली फाउंडेशन भी थी। सिर्फ 38 आवर्स में इंजीनियर्स ने 18,500 क्यूबिक मीटर को कंक्रीट डालकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। फाउंडेशन के बाद 77 स्टोरीज को भी इंतहाई तेजी से सिर्फ एक साल के अंदर अंदर खड़ा कर लिया गया। आइकॉनिक टावर को 2023 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने का इरादा किया जा रहा है। इजिप्ट अपना खोया हुआ टाइटल दुनिया से छीनने की दौड़ में उतर तो गया है, लेकिन क्या इनका मास्टर प्लान काम कर पाएगा या नहीं, ये सब कुछ आने वाले सालों में क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है द रियल बेस की ये वीडियो भी आपको काफी इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।